कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में जो सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा हमारा इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 324 के अंडर दिया जाता है। इस चीज को आपको नोटिस करना है कि अगर कहीं पर भी सिर्फ इलेक्शन कमीशन लिखा है सो आप लोगों को ये बात ऑटोमेटिकली समझ लेनी है कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की बात की जा रही है। यहां तक कि जब हम लोग स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल नंबर 243 I में आता है, जिसको हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ रहे होंगे, पंचायत और नगर पालिका। चलिए अब हम लोग इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का हम लोग यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने की कोशिश करते हैं। सी ऑब्वियसली बात है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमेशा से ही दी गई है। 1950 से 26 जनवरी 1950 जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ है तब से ये सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की बॉडी हमारे पास है, तब से हम लोग इसके साथ काम करते हैं। 26 जनवरी 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक जो इलेक्शन कमीशन थी वो वन मेंबर बॉडी थी, मतलब सिंगल मेंबर बॉडी थी, इसमें सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर एक ही होते थे। लेकिन 16 अक्टूबर 1950 को ये जो सिंगल मेंबर बॉडी है इसमें मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई और इन्हें 3 मेंबर्स की बॉडी बना दी गई। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, वो रीजन ये था कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था 1989 का और इस 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो वोटिंग एज है उसे कम कर दिया गया था। 1989 से पहले जो हमारी वोटिंग एज थी, जो हम लोकसभा विधानसभा या पंचायत नगर पालिका में वोट देते हैं, पहले वोट देने की जो बेसिकली जो एज थी, मिनिमम एज थी, वो 21 थी। इसे 21 से घटाकर कितना कर दिया गया था, 18 साल कर दिया गया था। ये 1989 में किया गया था, ये अलग फैक्ट है जो आपके काम आ सकता है। सो ऑब्वियसली बात है कि 3 साल वोटिंग एज हम लोगों ने कम कर दी। इसका मतलब ये है कि वो जो 3 साल में सिटीजन्स आते थे, 18 से 21 के 3 साल में जो सिटीजन्स आते थे उस एज के, उन्हें बेसिकली वोटर लिस्ट में शामिल करना था और नई नई चीजें उसमें इन्वॉल्व करनी थी, नए लोगों का वोटर आईडी बनाना था, काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो यहां पर लोगों की जरूरत बहुत ज्यादा थी, इसीलिए इस सिंगल मेंबर बॉडी को 3 मेंबर बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया था, राइट। लेकिन इसके बाद जनवरी 1990 में फिर से इन 3 मेंबर बॉडी को सिंगल मेंबर बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया। बट फाइनली सितंबर 1993 में जब इसे दोबारा से 3 मेंबर बॉडी बनाया गया, 3 मेंबर बॉडी बनाया गया, तो आज तक 2021 जब ये बेसिकली वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या फिर जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज तक 3 मेंबर बॉडी ही है। अब जब हम लोग ये बात करते हैं कि 3 मेंबर बॉडी है तो 3 मेंबर में जो हेड होते हैं, जो चीफ होते हैं, हम उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं और जो दूसरे दो अदर मेंबर्स होते हैं उन्हें हम अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो डिक्टेटरशिप तरीके का एक बिहेवियर रखते हैं। यहाँ पर मेजॉरिटी से ही बात चलती है, मेजॉरिटी से ही डिसीजन लिया जाता है। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई डिसीजन लेना है और दो अदर कमिश्नर्स जो हैं वो एक साइड पर हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक अलग डिसीजन दे रहे हैं, तो जो दो अदर कमिश्नर्स हैं उनकी बात यहाँ पर मानी जाती है, उनका यहाँ पर डिसीजन फॉलो अप किया जाता है। कुछ इसमें अदर पॉइंट्स हैं जो देखने जरूरी हैं। जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ऑब्वियसली उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो तो प्रेसिडेंट के थ्रू ही किया जाता है। क्वालिफिकेशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके की जो क्वालिफिकेशन है वो प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। ऑब्वियसली बात है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए या फिर वो सर्विसेज में होने चाहिए या उन्हें किसी तरीके का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये तो ऑब्वियसली बात है कि वो एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ लॉ है। लेकिन इसके अलावा कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। हमें यह भी पता है दैट जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 का, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, इस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात ये कही गई थी कि जो भी सजेशन प्रेसिडेंट को दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू, प्रेसिडेंट उन सजेशंस पर काम करता है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एक कंक्लूजन से हम ये बात निकाल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिस पर्सन के लिए प्रेसिडेंट को सजेस्ट करते हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उन्हीं पर्सन का अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमीशन में एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर किया जाता है। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस के वीडियोस किए थे आप लोगों के साथ, उसमें हम लोगों ने रिमूवल प्रोसेस बताई थी, तो वहां पर मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी जिसे बेसिकली मैं रिपीट करना चाहूंगा यहां पर, कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल या हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल या इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर्स का रिमूवल और सीएजी का जो रिमूवल प्रोसेस है वो एग्जैक्टली सेम होता है। तो अगर आपको यहां पर
इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स होते हैं उनका रिमूवल अगर आपको देखना है, पढ़ना है या समझना है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस वाले वीडियोस में जाकर उन रिमूवल प्रोसेस को देख सकते हैं, वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा सेम ही रहेगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब हम टेन्योर की बात करते हैं, यहाँ पे टेन्योर में बेसिकली दो अलग अलग कैटेगरी आपको देखने को मिलती है। जब हम लोग कैटेगरी की बात करते हैं तो या तो 6 साल का टेन्योर किसी इलेक्शन कमीशन का कंप्लीट हो चुका हो, या तो अगर उनकी एज 65 ईयर्स की हो चुकी हो। मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई पर्सन है जो इलेक्शन कमिश्नर बने हैं 55 की एज में, तो 55 प्लस 6 इक्वल्स टू हो जाएंगे 61, तो वो 61 की एज में रिटायर होंगे क्योंकि उन्होंने अपना 6 साल का जो टेन्योर है वो कंप्लीट कर दिया। लेकिन मान लीजिए अगर कोई पर्सन है जो 63 की एज में बेसिकली इलेक्शन कमीशन बने, तो ये 63 की एज वाले जो पर्सन है वो 6 साल का अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं की 65 जो एज है वो पहले आ जाएगी। तो यहाँ पे 63 प्लस 2 इक्वल्स टू 65 ईयर्स की एज वहां पर हो गई और ये रिटायर हो जाएंगे, यानी इनका टेन्योर कितना हुआ, 2 साल का हुआ। तो इन दोनों कैटेगरी में जो चीज पहले आती है, या तो उनका 6 साल का टेन्योर पहले पूरा हो जाए, या तो उनकी जो एज है वो 65 ईयर्स हो जाए। वी नीड टू फोकस दिस इन अ वेरी गुड वे। ठीक, अब यहां पर हम लोग इनकी बात करते हैं ड्यूटीज एंड फंक्शंस की। सी, इलेक्शन कमीशन का जो सबसे पहला जो ड्यूटीज होती हैं या फिर उनके जो काम होते हैं, सबसे पहला तो होता है कि उन्हें इलेक्शन कंडक्ट करवाने होते हैं, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इनकी यही होती है। अब इलेक्शन जब ये कंडक्ट कराते हैं तो कौन कौन से इलेक्शन ये कंडक्ट कराते हैं ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा जो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा जो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होते हैं, जिसे हम लोग विधानसभा इलेक्शन या फिर विधान परिषद इलेक्शन कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन या लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन, वो भी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ही करवाती है। कई लोगों को इस चीज में कंफ्यूजन होता है कि अगर स्टेट के इलेक्शन है तो वो तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करवाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेचर ये जो इलेक्शंस हैं वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराती है। तो अगर ये इलेक्शन भी, स्टेट के इलेक्शन भी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ही करवा रही है, तो हमारे हर स्टेट में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है वो कौन से इलेक्शन करवाती है? उनका मेन काम ये होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर आता है। बेसिकली हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो पंचायत एंड नगर पालिका के जो इलेक्शन होते हैं वो हमारी स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है। वी नीड टू फोकस दिस। अब इसके अलावा हर 5 साल में इलेक्शन होता है, हम सभी को पता है, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो या फिर वो विधानसभा का इलेक्शन हो। तो हर 5 साल में लोकसभा या विधानसभा डिसॉल्व हो जाती है। लोकसभा या विधानसभा के डिसॉल्व होने के 6 महीने के अंदर अंदर नए इलेक्शंस भी करवाने जरूरी होते हैं। तो जो नए इलेक्शंस होते हैं तो नए इलेक्शंस की जो डेट्स होती हैं वो बेसिकली इलेक्शन कमीशन प्रिस्क्राइब करती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हर पॉलिटिकल पार्टी को कोई ना कोई दर्जा दिया जाता है। जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी होती है, फॉर एग्जांपल बीजेपी हो गई या कांग्रेस हो गई। कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी होती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रीजनल लेवल की पार्टीज होती है। तो किस पॉलिटिकल पार्टी को किस लेवल का स्टेटस दिया जाता है, इसका डिसीजन भी इलेक्शन कमीशन ही लेती है। आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी जिसका नाम होगा आचार संहिता। आचार संहिता में बेसिकली ये बताया जाता है कि किस विंडो पीरियड में कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज प्रमोशन कर सकती है और किस विंडो पीरियड में जो प्रचार प्रसार है चुनाव का वो बंद हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्शन से 24-48 घंटे पहले जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है, तो ये आचार संहिता कहलाती है। वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है। हर एक अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का एक सिंबल होता है, जैसे किसी का पंजा होता है या फिर किसी का झाड़ू होता है, किसी का कमल होता है, किसी का हाथी होता है, किसी का साइकिल होता है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के बेसिकली जो सिंबल्स होते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी इलेक्शन कमीशन ही करती है। एक और चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, जब आचार संहिता लग जाती है या फिर जब इलेक्शन प्रोसेस चालू हो जाती है, तो जैसे लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं होती। जितने भी आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं वो सारे के सारे इलेक्शन कमीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो जब इलेक्शन चल रहे हैं तो कोई भी जो
सर्विसेज में ऑफिसर्स होते हैं वो गवर्नमेंट की बात नहीं मानते लेकिन इलेक्शन कमीशन की बात मानते हैं, क्योंकि उस टाइम पे देश के सारे काम रुक जाते हैं और सिर्फ हम लोग इलेक्शन पे फोकस करते हैं और वही हमारा प्राइमरी टारगेट बन जाता है। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है वो बेसिकली इंडिया की डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से हैंडल करता है जब इलेक्शंस की बात आती है। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की सीरीज है जो अब स्टार्ट हो चुकी है। इसके आने वाले वीडियोस में आपको 4-5-6 और वीडियोस मिलेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से ही रिलेटेड होंगे। ये हमने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है इलेक्शन कमीशन का और दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का। अगर आप इन इंट्रोडक्टरी वीडियोस को और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप चहल एकेडमी में, जो हमारी दिल्ली ब्रांच है, मेन ब्रांच है, वहां पर आकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वी हैव 24 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया, वहां पर जाकर आप फैकल्टी से मिल सकते हैं, डिटेल स्टडी किस तरीके से की जाती है, हम अपने नोट्स किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ में या प्रिंट फॉर्म में, यू कैन गेट ईच एंड एवरी नॉलेज देयर। आप अगर किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं यू कैन एक्चुअली विजिट आवर चहल एकेडमी वेबसाइट, जिसमें हमारे करंट अफेयर्स के सोर्सेज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मंथली मैगजीन हो या डेली करंट अफेयर हो, जो पूरी तरीके से फ्री है। और अगर इस तरीके की वीडियोस आप देखना चाहते हैं और यू कैन सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।